हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में। आज हम बना रहे हैं इडली सांभर और नारियल की ग्रीन चटनी। इसके लिए हम पहले चावल और उड़द दाल को 5 घंटे फुला लिए हैं। इसमें से 3 मुट्ठी चावल है और 1 मुट्ठी उड़द दाल है। इसको 5 घंटे के लिए पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए। उसके बाद जब ये फूल जाए तो इसको पीस करके लगभग 10 घंटे के लिए रेस्ट करने दीजिए। अब हम बना रहे हैं सांभर। सांभर बनाने के लिए हम 2 मुट्ठी उड़द दाल लिए हैं। ये 2 लोगों के लिए है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें हम 1 गिलास पानी डाले हैं। हल्दी और नमक ऐड किए हैं। अब इसको 2 विसल आने तक पकाएंगे। 50% ही पकाना है। अब हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। हल्का फ्राई करने से सब्जियों को सांभर में अच्छा टेस्ट आता है। तो पहले हम प्याज डालेंगे और बहुत ही कम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। 1 चम्मच ऑयल है। इसको हम इसमें हल्का हल्का मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। अब हम इसमें सहजन और कद्दू डालेंगे। टमाटर को हम बाद में डालेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। हल्दी डालना है और इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। बस 2 या 3 मिनट भूनने के बाद हम जो 50% दाल बनाए थे उसमें इसको डाल करके 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। ये लगभग हो चुका है। अब इसको हम कुकर में डाल करके 2 विसल आने तक पकाते हैं। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। ये रेडी है। अब हम इसमें सांभर मसाला ऐड करेंगे जो 1 टेबल स्पून है और इसको उबाल आने तक 2 मिनट उबालेंगे। उसके बाद हम इमली का पानी ऐड करेंगे। जितना आपको खट्टा चाहिए उतना ऐड कीजिए। ये उबलने लगा है। अब हम इसमें इमली का पानी ऐड करके बस 2 मिनट उबाल करके हम उतार देंगे। अब तड़के की तैयारी करते हैं। इसमें हम 2-4 दाना मेथी का लिए हैं, पीली वाली सरसों, 2 रेड चिली डालेंगे, 1 करी पत्ता डालेंगे। अब हम इडली बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो इसको 10 घंटे छोड़ने के बाद ये घोल बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और पहले हम सांचे में तेल लगाएंगे और 2-2 चम्मच हम घोल डालेंगे। अब इसको बंद करके लगभग 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम नारियल की चटनी का तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम नारियल लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया लिए हैं, रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड चना ड्राई रोस्ट किया हुआ है। अब हम इसमें नमक डाल करके इसको निकाल लेते हैं। अब हमारा इडली भी तैयार हो गया। इधर ये बहुत ही गर्म है अभी और बहुत ही सॉफ्ट बना है।
बहुत ही गर्म है ये बिल्कुल स्पॉन्जी है। अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें हम पीली सरसों डाले हैं और फिर हम इसमें रेड चिली डाले हैं। इसमें फिर हम करी पत्ता डाल देते हैं। अब ये तड़का लग चुका है चटनी में। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तैयार है हमारा इडली सांभर और नारियल की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू।